हेलो स्टूडेंट्स, रिसेंटली 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो इशू की थी जिसमें मैंने आउटलाइंस आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। उसमें एक्सरसाइज 1 ली थी मैंने लीगल मटेरियल में से, और पार्ट 1 की मैंने आपको आउटलाइंस बताई थी और मैंने उनको समझाया भी था। मुझे उम्मीद है कि आपको वो अच्छी लगी होंगी। और अब मैं इस वीडियो में आपको उसका पार्ट 2 दे रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 1 लीगल मटेरियल का। और आउटलाइंस आप देखिए, समझिए, जितना आप उसको ध्यान से समझेंगे उतना आपको आगे आने वाली आउटलाइंस जो भी अगर आप करते हैं अनसीन और उसमें प्रॉपर नाउंस आते हैं कुछ हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी कि हमने कैसे उनको हैंडल करना है। तो आप देखिए, मैंने अपनी तरफ से एफर्ट किया है ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ पाएँ, और अगर आप उसमें थोड़ा टाइम लगा के उसको समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो एक्यूरेसी है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आउटलाइंस सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट जहां हमने छोड़ा था उसके बाद सेकंड पार्ट ये है, इसके हम आउटलाइंस देखते हैं। आप देखिए ध्यान से, मैं समझाता हूं जहां जरूरत होगी। ऑन दिस ही कॉन्टैक्टेड पुलिस पोस्ट। पुलिस पोस्ट आप इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन कर सकते हैं, पुलिस पोस्ट भी कर सकते हैं। पालम कॉलोनी, स्टॉप। बाय दैट टाइम, देखिए बाय दैट टाइम जैसे हमने लिखना है आप इकट्ठा लिख सकते हैं, लेकिन जितना क्लियर लिखेंगे उतना आपको ट्रांसक्रिप्शन में अच्छा हेल्प मिलेगी। बाय दैट टाइम द इंजर्ड हैड ऑलरेडी बीन एडमिटेड इन सफदरजंग हॉस्पिटल। सफदरजंग को आप जैसे लिखना चाहें आपकी अपनी मर्जी है, मैंने इसमें सफदर और जंग अलग कर दिया है। हालांकि सफदरजंग 1 वर्ड है और अलग भी लिख सकते हैं आप, बट आउटलाइन जैसे आप चाहें वैसे, चाहे आप इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में लिख सकते हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल एंड इंटीमेशन In that regard was conveyed to the police post Palam Colony by the duty. अब देखिए, जब ड्यूटी आता है तो आप यू जितना क्लियर लिखेंगे उतना आपको ड्यूटी पढ़ने में आसानी होगी। By the duty constable posted at Safdarjung Hospital, which information was recorded. अब देखिए, इसमें जो आउटलाइन है इसको आप रिगार्डेड मत पढ़िए, क्योंकि विच इंफॉर्मेशन वॉज रिकॉर्डेड, इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड की जाती है, रिकॉर्डेड एज डीडी नंबर सो एंड सो, वॉज रिकॉर्डेड एज डीडी नंबर 41। स्टॉप। सब इंस्पेक्टर के नीचे आप चाहें तो डबल टिक लगा सकते हैं ताकि आपको ये पता लगे ये प्रॉपर नाउन है, इसे पोस्ट। सब इंस्पेक्टर वेद सिंह, इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आप ऐसे भी लिख देंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये नाम है किसी का या प्रॉपर नाउन है। वेद सिंह इंस्ट्रक्टेड PW8, पेटिशनर विटनेस 8, टू स्टे। अब देखिए, टू अगर आप ए नहीं लगाएंगे तो टू सेट पढ़ेंगे, अगर ए लगा देंगे तो टू स्टे पढ़ेंगे। टू स्टे, सॉरी, इसका डॉट जो है राइट साइड में आएगा, मैंने गलत लगा दिया। टू स्टे एट द स्पॉट, ठीक है, टू स्टे एट द स्पॉट ऑफ इंसिडेंट एंड टोल्ड दैट ही वॉज गोइंग। देखिए, गोइंग में आपको ओ जरूर लगाना है ताकि आप जल्दी उसको ढंग से पढ़ सकें। गोइंग टू द हॉस्पिटल, स्टॉप। सब इंस्पेक्टर वेद सिंह ऑन रीचिंग सफदरजंग हॉस्पिटल
obtained the MLC. अब MLC को आप कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें वो आपकी मर्जी है. MLC ऑफ द डिसीज्ड DECEASED होता है, डिसीज्ड जिसकी डेथ हो गई, डिसीज्ड मिस मलका ऑन विच डॉक्टर प्रदीप टंडन. आप प्रदीप टंडन को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे आउटलाइन भी बना सकते हैं. प्रदीप टंडन जितनी आपकी कमांड होगी हुक बनाने में उतनी जल्दी आप किसी भी आउटलाइन का, किसी भी प्रॉपर नाउन की आउटलाइन टेंटेटिवली तो बना ही सकते हैं. देखिए प्रदीप में अगर PR आपको लिखना है तो PRDP कर दिया आपने और टंडन कर दिया तो प्रदीप टंडन आप पढ़ लेंगे. हैड रिकॉर्डेड द हिस्ट्री एज गिवन बाय द पेशेंट ऑफ सस्टेनिंग द बर्न इंजरीज व्हेन हर हस्बैंड एंड सिस्टर इन लॉ हैड कॉट होल्ड, कॉट में के हाफ और नीचे डैश लगाना है, सॉरी डैश का वॉवल लगाना है. हैड कॉट होल्ड ऑफ हर एंड पोर्ड, POURED, पोर्ड, पोर्ड में आप आर हाफ बनाइए या आर को आप कट कर दीजिए जैसे भी चाहें. एंड पोर्ड कैरोसिन ओवर हर एंड सेट हर ऑन फायर. अब यहां फायर में आप सेट हर ऑन फायर, पढ़ने में जिसको आसान लगता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो आई लगाए, लेकिन हाँ इसको अबव द लाइन जरूर प्लेस करना है ताकि आप इसको फायर पढ़ सकें. स्टॉप. द पेशेंट वॉज डिक्लेयर्ड में आर जो है डार्क आएगा हाफ, लेकिन आप चाहें तो डिक्लेयर को काट सकते हैं. डिक्लेयर्ड फिट फॉर स्टेटमेंट बाय डॉक्टर दास. अब देखिए डॉक्टर दास के नीचे मैंने डबल टिक इसलिए लगाए हैं कि आपको इमीडिएटली पता लगता है किसी का नाम होगा. एंड सब इंस्पेक्टर वेद सिंह. अब वेद सिंह हमारे लिए नोन हो गया क्योंकि हमने इसका नाम दो चार बार पहले पढ़ लिया है. वेद सिंह रिकॉर्डेड हर स्टेटमेंट वेयर इन शी डिस्क्लोज्ड दैट हर जेठानी, दैट आपने देखा दैट हर, दैट मेरा ऐसे होता है, अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, दैट और विद में कंफ्यूजन नहीं होता. फिर दैट हर जेठानी, अब जेठानी के नीचे भी मैंने डबल टिक दिया है, ऐसे आप देंगे तो आपको लगेगा हाँ इट्स ए स्पेशल वर्ड और आप इसको थोड़ा सा जब थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे तो आप पढ़ लेंगे. दैट हर क्या कोई रिलेशन ही आ सकता है यहाँ पर. JT और NE लगाया मैंने, जेठानी, क्योंकि ठ के लिए हम ट यूज करेंगे, ठ हमारे पास होता नहीं है. जेठानी राजकुमारी वाइफ ऑफ द, देख रहे हैं, वाइफ ऑफ द एल्डर ब्रदर, ठीक है, वाइफ ऑफ द एल्डर ब्रदर ऑफ द पेश ऑफ द एपेलेंट एंड हर हस्बैंड वर रिस्पॉन्सिबल. अब रिस्पॉन्सिबल में क्या होता है कि अगर आप सिर्फ RSPNS लिखेंगे तो रिस्पॉन्सिबल इसको आप रिस्पॉन्स पढ़ सकते हैं, लेकिन BL लगाएंगे तो रिस्पॉन्सिबल पूरा हो जाएगा. आप चाहें जो चाहें इन दोनों में से लिख सकते हैं. वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर प्लाइट, PLIGHT, प्लाइट होता है कंडीशन. वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर कंडीशन, हर प्लाइट, और PL हाफ. स्टॉप. शी डिस्क्लोज्ड दैट केरोसिन ऑयल
was poured on her by her Jethani, whereas she was set ablaze. देख रहे हैं, एब्लेस, ए बी एल ए जेड ई, एब्लेस बाय द एपेलेंट. स्टॉप. सिंस द स्टेटमेंट गिवन बाय द डिसीज्ड डिस्क्लोज्ड द कमीशन ऑफ एन of a cognizable offense, Ved Singh appended his endorsement. Appended hota hai attached, enclosed. Appended his endorsement to the said statement and sent it to the police station for registration of the case through Constable J. Ram at 10:25 p.m. Stop. On the basis of the said statement, which was also attested by Dr. Ram Chandar, formal FIR was recorded at the police station at 11:10 p.m. and a DD report number 33A was also recorded regarding the registration of the FIR at the police station. Stop. Appellant has been convicted under section 376 of the Indian Penal Code by the learned trial court and sentenced to undergo rigorous imprisonment. Undergo mein G ke niche O zaruri hota. Undergo rigorous imprisonment for 7 years. 7 jaise maine bataya, 7 aise likhiye. 7 years with fine of rupees 10,000 and in default of payment of fine, to undergo simple imprisonment for 3 months. Stop.